हम बात कर रहे हैं गंधार ऑयल एंड रिफाइनरी की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो 2% के ऊपर के अपसाइड के साथ क्लोजिंग दिखाई है। देख सकते हैं लगातार गिरावट आई थी, हमने डिस्कस भी किया था 204 नीचे की ओर मेजर सपोर्ट रहेगा, ब्रेक डाउन कर जाता है तो सबसे आखिरी सपोर्ट 200 का लेवल, ऐसा हम डिस्कस कर चुके थे। और देख सकते हैं 204 के लेवल से एक जंप आया, गिरावट आई तो अपने सपोर्ट को ब्रेक डाउन नहीं किया, इसके ऊपर से ही सपोर्ट लेकर स्टॉक में जंप देखने के लिए मिला, रिकवरी देखने के लिए मिली, बड़ी बाइंग के साथ स्टॉक में क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। पॉन्सबैक के साथ आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था 214-215 का लेवल इमीडिएट टारगेट, जो कि स्टॉक हिट करते नज़र आ रहा है। अब इस लेवल का ब्रेकआउट दिखा सकता है, बड़ी बाइंग के स्टॉक में आई हुई लास्ट ट्रेडिंग डे में, तो यहाँ से और अपसाइड आप गंदार दिखा सकता है। नीचे की ओर जब तक 200 के ऊपर है तब तक अपसाइड के चांस गंदार में बने हुए, 200 के लेवल का ब्रेकडाउन मतलब फिर बड़ी गिरावट, लेकिन आप चांस बने हुए अप ट्रेंड के। तो आप अगर आने वाले ट्रेडिंग डे में जंप आता है तो इमीडिएट टारगेट 220, इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद 224 जो कि इसका मेजर रेजिस्टेंस है, इससे पहले भी हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि 220 के लेवल को ब्रेकआउट करके अगर 2-3 दिन इसके ऊपर सस्टेन होता है, 2-3 दिन 224 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो गंदार का पूरा खेल यहाँ से पलट सकता है, फिर लगातार अपसाइड दिखा सकता है। तो 224 के लेवल पर आप नज़र रखना, यहाँ तक का भी जंप गंदार दिखा सकता है, लेकिन इसके ब्रेकआउट के बाद 224 के ब्रेकआउट के बाद गिरावट आई थी और बाउंस बैक कर रहा है, तो इस लेवल के ने जहाँ से गिरावट दिखाई थी 230 का लेवल, इसके भी ब्रेकआउट के चांस गंदार में बनेंगे। 224 का लेवल ब्रेकआउट कर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट बनेगा 230 और इस बाउंस बैक के साथ 240 तक का जंप भी गंदार दिखा सकता है, यहाँ तक के भी फिर टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।